सो गाइस अभी जो है ये आप लोग देख रहे हो लोअर एंगल से, बिकॉज जो मैंने नीचे की तरफ से लगा दिया डायरेक्शन, इसकी चेंज कर दी थी। तो अभी फिलहाल मैं जो है इसको चेक करके आता हूँ कि इसमें से कैसी फुटेजेस आ रही है। तो चलते हैं एक छोटी सी राइड में, छोटी सी क्या मतलब बहुत छोटी सी, थोड़ा सा यहीं पड़ोस तक घूम के आता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि रोड का एंगल क्या बन रहा है। तो चलते हैं फटाक से देख के आते हैं, तो आप लोगों को पब्लिक के रिएक्शंस दिखाऊंगा कैसे होते हैं। ऑडियो क्वालिटी तो है नहीं बिकॉज माइक मिल नहीं रहा है आज। ठीक है देखो आज ठीक है, अब तो ना कटेगा 10,000 का चलान। अरे यार मैं क्या कह सकता हूं। तो चलो अभी चलते हैं। फिलहाल गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से सामने हो ले थोड़ा सा फ्लाईओवर से घूम के, उधर से घूम के जहाँ हम ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं वहाँ से थोड़ा सा घूम के फिर वापस घर को चले जाऊँ। फिलहाल मैं देहरादून वाली रोड पे हूँ जो कि यहाँ से थोड़ा बहुत ही पड़ता है देहरादून। हम लोग जो गाड़ी सीखते हैं वो यहाँ पे सीखते हैं इस वाली रोड पे। तो देहरादून है 52 किलोमीटर। तो गाइस मैं साथ में सोच रहा हूँ कि हम इसका स्पीड टेस्ट भी कर लें, बिकॉज पता चल जाएगा कितनी स्पीड तक की जो है पावर खींच सकता है, कब तक मतलब सेफ रह सकता है फोन, तो वो स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। तो गाइज मैं इससे आपको ओवरऑल बताऊं तो मैं 60 तक गया था और मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मतलब दिक्कत है कुछ। मैं 60 तक गया था तो ठीक ठाक था, 100 की स्पीड तक तो मतलब मेरे हिसाब से इसको कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा डर भी था कि फ़ोन गिर ना जाए, तो इसलिए ज़्यादा मैंने टेस्ट नहीं किया है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कैसी फुटेज आ रही है, ऑडियो क्वालिटी तो आ नहीं रही होगी बिकॉज माइक नहीं है, नहीं तो मैं हाईवे में आपसे बात करते हुए आता। तो चलो कोई नहीं अभी घर जाते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, बादल लगे हुए हैं बहुत तगड़े से। तो चलो बारिश ना आ जाए उससे पहले मैं घर पहुँचता हूँ, बस यहाँ से थोड़ा सा ही है अब। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कैसा पब्लिक का रिएक्शन था। तो फाइनली गाइस घर पहुँच चुके हैं और अब मैं देखूंगा फुटेज की कैसी आई है। तो मैंने फिलहाल कुछ सामान ले लिया बिकॉज इसमें है कपड़े वगैरह जो कि वहाँ पे हम नाम सीखने आते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे तो विदाउट कपड़ों के रहते हैं, इसलिए नेहा ने सोचा कि ये ले लेते हैं। तो अभी इनको संभाल के रख देते हैं बिकॉज वहाँ पहुँच के फिर उनको दे देंगे। तो नेहा ऐसे अच्छे अच्छे काम बहुत करती रहती है जिसके आप लोगों को पता नहीं होगा, वैसे नेहा करते रहती है बट ऐसे ऐसे काम आज देंगे। अभी फिलहाल देखते हैं वो कैसा रिएक्शन होता है बच्चों का। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं और वो सामने जो झोपड़ी दिख रही है वाइट कलर की, वहाँ पे रहते हैं वो बच्चे। तो नेहा ने कल उनको देखा, नेहा को उनको देख के बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सा लगा इसको। तो वो बच्चे ऐसे रोड पे खेल रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं है कि वीडियोस के लिए हम लोग किसी को कुछ दे रहे हैं। वो तो ये कल 2-3 बार गई थी यहाँ पे, मैं तो अपने काम पे लगा था तो ये 2-3 बार गई थी, तो तब इसका ही डिसीजन था। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं दे देंगे, बस हमको देख के क्या पता कोई और भी मदद कर दे, हो सकता है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। आंटी एक्सलेंडर ले जा रही है, बच्चे बच्चे को ना गिरा दे कभी यार, गिर गए वो, देखो बच्चा डर रहा था और वो गिर भी गए। दे रही है तो नेहा फिलहाल इनको कपड़े जो है वो दे रही है। तो छोटा सा बच्चा देखो ये नेहा के साथ कल से कितना ज़्यादा घुल मिल गया है। और कुछ है हाँ, पर सही है थोड़ा बहुत पैसे भी दे देंगे बच्चों को, बस दी जाए कपड़े दे रही है तो सही है। वो छोटा वाले को देखो, छोटे वाले को देख, इसको देखिए, इसको 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 देखिए इसको, ये बड़ी खतरनाक है यार, इन नेहा के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी एक ही दिन में। तो अभी कपड़े दिए ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाएगी ये लो। तो चलो अभी फिलहाल हमने सब कुछ दे दिया है, दीदी ने थोड़ा बहुत पैसे भी दे दिए और कपड़े भी दे दिए, तो वो खुशी है।